अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी का सालन। भिंडी का सालन बनाने के लिए सबसे पहले भिंडी को धो के कट कर लिया है। फिर यहाँ पे प्याज और ज़ीरा, ये हरा धनिया का स्टेम, इन तीनों को फर्स्ट पीस लेंगे। फिर उसके बाद टमाटर और नारियल दोनों पीस लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डाल के भिंडी को फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद बगार के लिए यहाँ पे मस्टर्ड सीड ले लिया है, करी लीव्स ले लिया है और प्याज लिया है। एक जार में प्याज और ज़ीरा, और ये हरा धनिया का स्टेम ऐड कर देंगे। इसको फाइन पेस्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे गैस को ऑन कर लिया है। थोड़ा ऑयल डाल के भिंडी को फ्राई कर लेंगे। अभी ऑयल गरम हो गया है, भिंडी डाल के भिंडी को फ्राई कर लेंगे। अभी ये भिंडी फ्राई हो गई है फ्रेंड्स। अभी इसको प्लेट में निकाल लेंगे। भिंडी को इस प्लेट में निकाल लिया है। अभी इसी कढ़ाई में बगारेंगे। बगारने के लिए सबसे पहले थोड़ा ऑयल डालेंगे। अभी तेल गरम हो गया है, इसमें राई डालेंगे। राई कड़कने लग गई है, अभी इसमें करी पत्ता डालेंगे। फिर अभी इसमें प्याज डालेंगे। जैसे ही प्याज थोड़ा लाल हो जाएगी, मसाले ऐड करेंगे। अभी देखिए प्याज लाल हो गई है, अभी थोड़ा होना है। अभी इसमें प्याज, ज़ीरा और हरी धनिया का पेस्ट ऐड करेंगे। अभी इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी ऐड करेंगे। ये मसाला अच्छे से भून गया है। अभी इसमें टमाटर और नारियल का पेस्ट ऐड करेंगे। अभी इसको अच्छे से भून लेंगे। अभी ये भून गया है, इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे।
इसको थोड़ी देर पकने देंगे, फिर भिंडी ऐड करेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये उबल गया है, इसके अंदर भिंडी ऐड करेंगे। जब ये भिंडी थोड़ा पक जाएगी, उसके ऊपर नमक ऐड करेंगे। अभी इसमें नमक ऐड करेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये पक गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।